बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऐसे इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, एक दफ़ा मुझे इराक के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदा तरस आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त अस्तगफार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने इस शख्स से पूछा कि क्या आपको अस्तगफार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? इसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई, सवाए इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया और तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई।